समस्या है, विघ्न दूर हो जाएगा, सूजन बन रही है, सूजन बन रही है, फूल रहा है, आंतों में दिक्कत बताई है डॉक्टर ने, लीवर में दिक्कत बताई है, लीवर का इन्फेक्शन तो बहुत कम है, आंतों का ज्यादा है, जाओ भगवान बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, कोई ऑपरेशन नहीं होगा। आशु बागेश्वर धाम सरकार की, बोली सच्चे दरबार की, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम, सन्यासी बाबा की जय हो। बागेश्वर धाम सरकार जी का चारों तरफ छा गए हैं, टीवी में देखो कि जहां भी देखो, न्यूज में देखो। दोस्तों, बड़े बड़े नेता हो या बिजनेसमैन, दोस्तों ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या को लेकर बागेश्वर धाम सरकार जी के पास आए थे और उनके माँ भी आए हुए हैं। और ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी और उनका माँ, वो लोग बहुत ही परेशान में थे हैं। उनकी बेटी का तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह भी अर्जी लेकर आए थे। आराध्या का तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बागेश्वर धाम सरकार के पास आए हैं। ऐश्वर्या राय पूछे, अभिषेक अपने पति को कोई काम नहीं मिल रहा है, कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं अभिषेक, कोई भी ऑफर नहीं मिल रहा है, इसलिए ऐश्वर्या पूछने के लिए आए थे। तो बागेश्वर धाम सरकार जी हमारे पूछे गुरुदेव जी, बोले 2024 से 2040 तक उनका गोल्डन चांस है अभिषेक बच्चन जी का, और आराध्य का कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा, आराध्य को लीवर के पास प्रॉब्लम हुआ है बोलकर। और ऐश्वर्या राय बच्चन उनकी बेटी आराध्या के बारे में पूछे, उनके करियर के बारे में पूछे, तो गुरुदेव जी ने बताया कि वह बिजनेस की तरफ उनका करियर बहुत ही बढ़िया होगा बोल के। दोस्तों बोले कि हर 3 महीने के बाद बागेश्वर धाम एक बार जरूर पति पत्नी आएगा बोल के। दोस्तों